दिल्ली की शराब नीति में घोटाले के मामले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह को ईडी ने राउत एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इस दौरान ईडी ने संजय सिंह की 5 दिन की रिमांड मांगी। ईडी ने कोर्ट में बताया कि संजय सिंह के खिलाफ घूस लेने के लिए मांगने के सबूत हैं। ईडी ने कहा कि संजय सिंह ने घूस मांगी थी लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। ईडी ने कोर्ट से संजय सिंह की रिमांड मांगते हुए दावा किया कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि कॉल डेटा रिकॉर्ड और पुराना फोन भी रिकवर नहीं है। ईडी ने आरोप लगाया कि संजय सिंह अपने पुराने फोन के बारे में नहीं बता रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि ईडी ने आवेदन में कहा है कि मोबाइल डेटा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो 5 दिन बाद भी यदि वो सीडीआर पर हस्ताक्षर करने से इनकार करते हैं तो क्या ये माना नहीं जाएगा। इसी बीच पिछली बार की तरह ही इस बार भी संजय सिंह ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे साथ बच्चों का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे साथ यातना का खेल खेला जा रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। मोदी मेरे साथ बच्चों का खेल खेल रहे हैं। मैं उनकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपनी यातना दे जितना दे सकते हैं। इतने बेईमान हैं, देश के लाखों करोड़ लूटने वाले सब मोदी के साथ हैं। जो ईमानदार हैं, जो उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बता दें कि ईडी ने बताया है कि हमने सर्च की थी, तब भी संजय सिंह का पुराना फोन नहीं मिला। इस पर कोर्ट ने पूछा कि आपने कहां छापेमारी की। ईडी ने कोर्ट को बताया कि कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। हमारे पास उन लोगों के बयान भी हैं जिनके यहां तलाशी ली गई है, जिसमें कई आरोप भी सामने आए। ईडी ने दावा किया कि एक शराब कारोबारी से 4 करोड़ रुपए की और भी मांग की गई। कहा गया था कि हम पहले भी कई लाइसेंस दिला चुके हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा, क्या यह दिल्ली और पंजाब में शराब के लाइसेंस को लेकर था। इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या सिर्फ रिश्वत मांगी गई या पेमेंट भी हुआ। इस पर ईडी ने कहा कि सिर्फ रिश्वत मांगी गई थी पर पेमेंट नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने कहा कि अभी तक सिर्फ रिश्वत मांगने के ही सबूत मिले हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की शराब नीति में घोटाले के मामले में पिछले दिनों ईडी ने संजय सिंह के आवास पर छापेमारी की थी। इसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी मामले में जांच एजेंसियों ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया था। ईडी सूत्रों के मुताबिक बात करें तो शराब घोटाले में आरोपी दिनेश अरोड़ा की गवाही पर संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।